पता है कुछ फोटोग्राफ्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप यूं ही ड्रॉ नहीं कर सकते। इस फोटो को देखकर लग रहा होगा कि बस क्रॉप ही तो करना है और हो गया, लेकिन नहीं। अगर आप ध्यान से देखो तो मम्मी जी के एक्सप्रेशन तो अच्छे हैं लेकिन बच्चों के नहीं, और अगर आप इस फोटोग्राफ को देखो तो बच्चों के एक्सप्रेशन तो ठीक हैं लेकिन मम्मी जी थोड़ी सी ज़्यादा खुश हैं। तो बेसिकली मैं करने क्या वाला हूँ कि मैं इन दोनों ही फोटोज़ को मर्ज करूँगा ताकि एक्सप्रेशन मैच कर सकूँ। अब मैं इसे A3 साइज़ में बनाने वाला हूँ, तो पहले A3 साइज़ में क्रॉप कर लेता हूँ और फिर दोनों ही बच्चों को उठाकर इस फोटो से इस फोटो में ले आऊँगा। एक चीज़ जो मैं और करूँगा वो ये कि इस बच्ची को मैं पिक्चर में थोड़ा सा ऊपर प्लेस करूँगा, क्योंकि ओरिजिनली ये पिक्चर में काफ़ी नीचे की तरफ है, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो ऐसा लगेगा मानो ये फ्रेम से बाहर की तरफ जा रही है, जो कि एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। सो एडिट कर लेने के बाद पिक्चर कुछ ऐसी लग रही है, और इसे मैं कल ड्रॉ करूँगा क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं और मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है। एनीवेज जाता हूँ सोने, कल मिलता हूँ। काफ़ी खूबसूरत सुबह है, और इससे पहले कि ठंड से मेरी हड्डियाँ अकड़ जाएं, मैं नीचे चलता हूँ और आपको ड्राइंग दिखाता हूँ। मैंने काफ़ी पहले ही बनाना शुरू कर लिया था और छोटकू को लगभग मैंने बना ही लिया है। अब मम्मी जी की बारी है, सो आप टाइम लैप्स एंजॉय करो और मैं आपसे वीडियो की आखिर में मिलता हूँ। तो ड्राइंग लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और अब मैं इसे पूरी तरह से कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा रिकॉर्ड में नहीं कर पाऊँगा। फिलहाल तो यही सोच रहा हूँ कि मैं भी पिंक नाइट सूट पहन के कच्चा बादाम पे रील्स बना ही लेता हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं चुप, बिल्कुल चुप। एनीवेज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं हूं सुमित, आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक।